वेलकम टू मनीष गुरु। आज 11 दिसंबर स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा पुणे में, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 11 दिसंबर 2018 तक सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मोहाली में, ये पड़ता है चंडीगढ़ में, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में भारत किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास एवियंद्रा 2018 आयोजित करेगा? तो संयुक्त सेना अभ्यास एवियंद्रा जो है ये रूस के साथ आयोजित किया जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और रूसी संघ नेवी समुद्री अभ्यास इंद्र नौसेना 2018 में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा विशाखापट्टनम में, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 8 दिसंबर 2018 को प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2018 का ताज जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2018 का जो प्रतिष्ठित ताज जो जीता है, ये जीता है वैनेसा पोंस डी लियोन, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 9 दिसंबर 2018 को मिस्टर सुपरनेशनल 2018 खिताब जीतने वाले पहले एशियाई या भारतीय बन गए हैं? तो ये बने हैं प्रथमेश मौलिंगकर, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य बन गया है केरल, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस तट के निकट अपना पहला अंतर्जलीय संग्रहालय पाने के लिए तैयार है? तो ये तैयार है पांडुचेरी के साथ, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने निम्नलिखित में से किस राज्य में जल स्वच्छता परियोजना के लिए $400 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो ये मंजूर किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 9 दिसंबर 2018 को अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का 23वां जो जिला बना है ये बना है सियोमी जो है ये अरुणाचल प्रदेश का 23rd डिस्ट्रिक्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर किसके रूप में किया है? तो यह बदल के कर दिया इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। जो सेबी ने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम जो था उसको इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता रहता है। हर वर्ष मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने किस राज्य में क्रॉस बो 18 कोड नाम वाले अभ्यास का आयोजन किया है? तो अभ्यास का आयोजन किया है आंध्र प्रदेश में, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जुलाई सितंबर तिमाही के लिए चालू खाता घाटा यानी कि CAG सकल घरेलू उत्पाद का कितने % तक बढ़ गया है? तो ये 2.9% तक बढ़ गया है, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, तो इसके लेखक है अरविंद सुब्रमण्यम। ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक है अरविंद सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2018 को किसे अभयारण्य वन्य जीव सेवा पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया इमरान सिद्दीकी को, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसरिउल हसन जिनका 10 दिसंबर को निधन हो गया वह एक उल्लेखनीय थे? तो वह थे इतिहासकार, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें नंदी बसेश्वर मंदिर में 12वीं शताब्दी के निषिद्ध पत्थर शिलालेख पाया गया है? तो ये पत्थर का शिलालेख पाया गया है कर्नाटक में, यानी इसका करेक्ट आंसर है फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार कौन सा देश 2018 में दुनिया के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा? तो ये भारत जो है अपनी स्थिति बनाए रखेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।